बहुत बहुत सलाम है जो हमें आशूरा के दिन शुरू हो चुके हैं अयाम। तो आप हम जा रहे हैं इनके नाना ने, शामीर के नाना ने दलील बनाई है, दलील की दावत है, आप हम उधर जा रहे हैं। और शामीर और आपी जो हैं वो बच्चे में चले गए, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। इसी तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा इशारे सवाब करें और जो शोदा करबला उनके लिए फातिहा खानी करें, उनको इशारे सवाब करें और इन दिनों का ख़ास तौर पर इन दिनों का एहतराम करें, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दी इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर। बेहतर यह है कि हम इसको किस अंदाज़ में मनाएँ कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान खानी करें, दुरूद पाक पढ़ें और उनके अरवाह को इशारे सवाब करें। तो अब हम रास्ते में अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, बड़े आराम आराम से जा रहे हैं, बड़ी एहतियात से जा रहे हैं और एहतियात से जाना चाहिए। वो खासकर तो बाइक का कोई भरोसा नहीं होता, सीढ़ी सवारी का कोई भरोसा नहीं होता, तो आप लोग भी एहतियात किया करें, खासतौर पर बाइक चलाने वाले जो हैं वो एहतियात किया करें। हम अपने इधर आ गए हैं ससुराल में, तो हमारे ससुराल जो हमारे अबू भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, रहबर भी हैं, तो उन्होंने दलील तैयार कर रखी है। अब हम खाना खाने में आते मेरे मुँह मोबाइल डाली थी जो रहमान रहीम, जो भी है मेरी आवाज़ सुन रहा है सबको अस्सलाम वालेकुम। और हमने आज साथ में मुहर्रम में शोदाए करबला की याद में दलीम बनाई और बड़ी मोहब्बत से बनाई। जब मैं किचन में खड़ा होता हूँ तो हर मसाला हर चीज़ होती है, तो जो जो अल्लाह मेरे दिमाग में डालता है मैं वो चीज़ उठा उठा के डाल देता हूँ। पहले से नहीं सोचता हूँ कि मैंने इस तरह रेसिपी बनानी है, ऐसे ही ये चीज़ बनानी है, हलीम बनानी है, कोरमा या पुलाव या बिरयानी, अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ अपने आप को शैतान की शर से। या अल्लाह मुझे महफूज फरमा दे, और फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू कर देता हूँ। माशाल्लाह जो खाता है सबको पसंद आती है, ये सिर्फ़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत है और तवक्कुल खुदा, पूरा तकवा अल्लाह पे के मैं जो कर रहा हूँ इसमें कमी बेशी जो कुछ भी होगी अल्लाह तो पूरी कर देगा और कर देता है, शुक्र है अल्लाह का। सौदाए करबला के सदके में ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और हमें तौफीक अता फरमाई कि हमने उनकी याद में उनके इसाले सवाब के लिए ये हमने जो एहतमाम किया है। तो जो सुन रहे हैं अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत से यही एहतमाम करें आप। और इसमें सूरह यासीन, कुरान पाक की तिलावत, दरूद पाक, शोदाए करबला का तज़करा, मौला अली का तज़करा, ये सब कुछ शामिल हो जाए तो जैसे खाना हम पकाते हैं ना बड़ा लजीज होता है। इस तरीके से ये कलमा कलाम जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जो फरिश्ते लेकर जाते हैं वो भी खुश होते हैं। तो मेरे हक में भी आप लोग दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझ पर नज़र रहमत अता फरमाए, मुझे सेहत तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाए, ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर हलीम बना के आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। अभी दलीम हमारी तैयार हो गई है, बॉक्सों में हमने पैक कर दी है। अब ये कुछ बच्चे बाहर रिश्तेदार दोस्त अहबाब में बांटने गए हैं, और ये जो दलीम है ये भी अब बांटने जा रही है, बांटने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये देखें इसकी इसकी देखें प्यारा माशाल्लाह फिलहाल हिला के देखें कलर देखें। जब आप खाएंगे तो मेरे हक में दुआ करें।
अच्छा बनाया माशाल्लाह। रात भर मैंने मेहनत की है, मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मेरी कमर में तकलीफ थी, वहाँ मैं भी इसमें शामिल होगा बताने में, और कभी जो होगा कि शामिल अहमद मदद से ही गलत की वजह से या किसी और मदद की वजह से ब्लॉग नहीं बना तो मैं बना दिया करूँगा। तो हमारे साथ रहिए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी है। अबू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है रात को, अबू के लिए दुआ करें ताकि अबू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। नमक मिर्ची कैसी है? ले भाई, ये अब खाना खा लिया है, दलीम खा लिया मैंने और वहाँ आराम किया। उसके बाद मैंने उन्हें अलहदा कमरे में, मुझे कमरे में बिठा दिया था, अलहदा कमरे से काम कर थोड़ा सा काम किया। उसके बाद मैं अब यहाँ ऊपर आ रहा हूँ कि वो एक यहाँ इनके कमरे में ड्रम रखा हुआ है जिसमें चावल है, ये लाइट मैंने ऑन कर दी। अब उसमें चावल उनसे, क्योंकि वो ड्रम उनसे खुलता नहीं है इसलिए ये मुशक्क़त मुझे करनी है। उनके बेटी हमारी बेगम साहिबा का जो है रोज़ा है, उसका अहतमाम करना है, तो अहतमाम करने के लिए मैं अभी ऊपर आया हूँ चावल निकालने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि चावल का ड्रम अलबन ये है, भरिए भाई। ये चावल का ड्रम खोले, इसमें चावल हैं, चावल है। तो अब इसमें से मैं चावल निकालूं थोड़े से, ये बात अब रोज़े का तमाम हो रहा है, चावल पकेंगे और चावलों के साथ क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये ले चावल मैंने निकाल लिए, इसको मैं उसी तरह लगा देता हूँ जहाँ रखे हुआ था सामान, ताकि ये इसको कोई खोले ना। ये लीजिए मैंने चावल निकाली, अब मैं चलता हूँ नीचे, नीचे चलें। शामिर साहब ज़रा तबीयत उनकी नासाज है इसलिए वो आज ब्लॉग नहीं बना रहे, लाइट मैंने ऑन कर दी है यहाँ पर। यहाँ कुछ दे रहा है गुरबे इलाही, क्या चीज़ है, इसका कोई रंग है, कोई कलर, कोई वजूद नहीं। ये बंदा जिस वक़्त अल्लाह करीब करता है ना बंदे को, वो बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह करीब करे, और वो भी खुश नसीब है जो अल्लाह को अपने करीब रखे कि वो मुझे मेरे साथ है। बस भाई एक कदम बढ़ाओगे तो उसका फसला फैसला ही है कि तू एक कदम मेरे करीब आता है, मैं दौड़ के तेरे करीब आता हूँ। तो अगर मेरी ये बात अच्छी लगी है तो भाई मैं तो अमल कर रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से, आप लोग भी अमल करें, दीन में भी नुकसान नहीं होगा, दुनिया में भी कोई खसारा नहीं है। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल। तो हम रास्ते में घर जा रहे हैं, मैं और मम्मा थे रक्षे में, और आप ही भाई और बाबा थे उसमें बाइक पे थे, और बहुत मज़ा आया। अबू ने दलीम भी बहुत मज़े की बनाई थी, और